हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज जो है हमारे यहाँ अष्टमी पूजन है, कन्या पूजन। तो आप सबको दुर्गा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा जो वीडियो है बहुत लेट आ रहा है, उसकी वजह यही है कि मैं मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वीडियो जो था बन तो गया था, लेकिन एडिटिंग वगैरह मैं नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे अनिकेत बैठा है, नारियल छील रहा है, और यहाँ पे जो है मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मेरा क्या हुआ था ना, कुकर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, मतलब कुकर में सीटी नहीं बन रही थी। एक दिन पहले खाना बनने में भी बहुत दिक्कत हुई थी, तो उस वजह से मैंने रात को जो है चने भी नहीं भिगोए, कि गैस नहीं बन रही है तो फिर चने उबालूंगी कैसे। मेरा उस दिन दिमाग बहुत ख़राब हो गया था, मूड ही ख़राब हो गया था, कि वो होता है ना कि कुछ हो काम और सामान ख़राब हो जाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर ये सुबह कहने लगे कि सब्ज़ी क्या बनाएगी, सब्ज़ी तो बनानी, आलू उबाले। मैंने कहा आलू भी नहीं उबलेंगे, तो मैं ये जो है आलू की सब्ज़ी इसमें बना रही हूँ कुकर में। ये कहने लगे कि चल देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो फिर भी वही दिक्कत आई थी, गैस नहीं बन रही थी। फिर मैंने भाभी के यहाँ से कुकर का ढक्कन मंगवाया, इसमें लगाया, तब जाके वो है आलू की सब्ज़ी बनी है। तो आलू की सब्ज़ी सिंपल बनाई है मैंने, बिल्कुल ही मतलब ना प्याज ना लहसुन, और बिल्कुल वैसी बनाई है, और थोड़ी तरियादार से बनाई है, इनका मन था। और हलवा भी तैयार हो गया है बन के, और सूजी का हलवा बनाया है, और सूजी का हलवा जो है इन्होंने ही बनाया है। मैं बाकी घर के काम जो दूसरे तो उसमें लगी हुई थी, नहाना धोना था, बच्चे सारे नहाए थे, घर का काम था तो उसमें थी। तो इन्होंने कहा चलो हलवा मैं बना देता हूँ। और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी में जो है मसाला वसाला मैं सिंपल से ही करा है, और बस आलू डाल के और थोड़ा सा पानी, रसेदार सब्ज़ी बनाऊँगी। और अगर उबले हुए आलू होते हैं उनकी रसेदार सब्ज़ी तो और टेस्टी बनती है। तो बस जैसे तैसे कुकर में खाना बन गया है, बस अब मुझे मार्केट जाना है नया कुकर लेने के लिए। ठीक से तो हाँ और कोई मुस्तानू के दो दिए चल हैं कहाँ गई वो टीका लगा पहले सबके, या गुड्डो को दे दे, गुड्डो टीका लगाएगी और तू कलावा बांधे। वहाँ बैठ जा बंस के उसके बगल में, तानू उधर उधर खसक जाओ, उसे बैठा ले नक्स को बगल में, इधर आ जा नक्स तानू के बगल में, यहाँ आ जा, यहाँ जगह, यहाँ जा बेटा, यहाँ जगह है। प्लेट अंदर से ले जाओ, वो रखी डिस्पोजल उठाओ। दे दो हाँ रखे के नक्स बैठ जा ढंग से। तो यहाँ पे जो हैं बच्चे बैठे हैं, कन्याएं बैठी हैं, घर की हैं सब ये। और इस बार जो है गुड्डू ने और कृष्णा ने नवरात्रों के व्रत रखे हैं, फर्स्ट टाइम ही रखे थे गुड्डू ने भी और कृष्णा ने भी। तो इनका बहुत मन था कि कन्या जो है हम जिमाएंगे, तो मैंने कहा चलो जब तुम्हारा इतना मन हो रहा था तुम ही कर लो। तो गुड्डू और जो कृष्णा है दोनों जो कन्या जिमा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड ने हलवा बनाया था, पूरी बना रहे हैं। वो कहने लगे कि तुम अपना ये काम निपटा लो, मैं पूरी उतार देता हूँ जब तक, क्योंकि उनका भी काम पे जाना था उन्हें, और फिर लेट हो रहा था, फ़ोन आ रहे थे। यहाँ पे जो है बीच में काफ़ी वीडियो क्लिप है जो मिस हो गई है। कृष्णा को दिया था मैंने फ़ोन की वीडियो बना लेना, और उसने मतलब वो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी, तो काफ़ी वीडियो जो है वो मिस हो गई इसमें से बीच में। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड ने जो पूरी थी वो बना दी थी, और फिर वो खाना खाने बैठ गए थे क्योंकि उन्हें काम पे जाना था।
और यहाँ पे मेरी बहन भी आ रही है छोटी वाली, तो उसका लड़का भी है, लंगूर कहते हैं ना कन्या के साथ एक लंगूर जीमता है, तो फिर वो भी है। और इस समय जो बच्चे अपना खा पी के, और वही होता है ना बच्चों का नवरात्र की अष्टमी हो चाहे नवमी हो, पेट तो भरा ही रहता है, बस अपना टाइम पास करते रहते हैं। और इस समय तो कन्याओं के तो बहुत मजे हो जाती हैं अपनी, तो बस अब इनका ये रहता है कि एक घर से फिर दूसरे घर में इनका बुलावा आ जाता है तो भागने की करते हो। मैंने कह रही थी खा तो लो पेट भर के, और बस कन्या पूजन होने के बाद सारा काम हो गया था और ये भी खा के मतलब अपने काम पे चले गए थे। तो बाकी जो बची हुई पूरियाँ थी वो मैं उतार रही हूँ, क्योंकि अभी मैं भी खाऊँगी और फिर बच्चे भी हैं, कृष्णा निकेत है, गुड्डू हैं, तो वो भी खाएंगे, तो मैं फिर बाद में उतार रही हूँ गर्म गर्म, उन्हें कह रही हूँ तुम भी आके खा लो। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, मतलब सुबह ही था, जल्दी हो गया था हमारा कन्या पूजन का, तो चाय भी रखी है तो बच्चे चाय भी ले लेंगे, हलवा है, सब्जी है, तो मैंने कहा चलो ये बची हुई पूरियाँ हैं ये इन्हें भी उतार देती हूँ, फिर बच्चे वही हैं अभी खा लेंगे। और गुड्डू तो बल्कि चली गई थी कन्या जिमने के लिए, उसने कहा हम मैंने अपने घर में तो जिमा दी कन्या, मैं खुद जिमूंगी जाके। और बच्चों का होता ही है, अभी कहना बचपन है, बाद में बड़े हो जाएंगे फिर ये सारे शौक कहते हैं ना धरे के धरे रह जाते हैं। हम भी थे, हम भी ऐसे भागा करते थे कि भाई जाना है कौन से घर में जाना है, वहाँ बुलावा, हम भी भागा करते थे कि भाई हमें पैसे मिलेंगे गिफ्ट मिलेंगे, तो वही हम देखते हैं ना, तो हमें भी याद आता है कि हाँ हम लोग भी कैसे जाते थे। तो बस यहाँ पे मैं है जो है बची हुई पूरियाँ उतार लूँगी। और आज मैंने पहनी है साड़ी, और ये पिंक कलर की साड़ी है, ये मैंने पता है ये मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी, तो दो या तीन बार ही मैंने पहनी है। वैसे मुझे दिक्कत भी कर रही थी ये साड़ी, क्योंकि इसके ना जो धागे हैं ना ये चुभ रहे थे, तो सुबह मैंने बस ये मतलब पूरी पारी उतारने के बाद खा पी के और थोड़ी देर ही रखी, फिर मैंने चेंज कर लिया था साड़ी, ज़्यादा देर में ये पहन नहीं पाई, मतलब मुझे कुछ अच्छी भी नहीं लगी, कपड़ा इसका बहुत हल्का है, सिकुड़ जाती है, नीचे से मुड़ जाती है, तो बढ़िया सी नहीं लगा। और मैंने हुआ भी मेरा मन कि मैंने कहा चलो ये भारी रखी थी तो इसी को डाल ली थी फटाफट, के लेट हो रहा था काम बहुत था। तो यहाँ पर बस अब जो है हो ही गया है, और दोपहर का लंच भी आज यही है, पूरी मतलब जो थी आटा जो गूंदा हुआ था ना वो सारे ही मैंने उतार लिया, फिर गर्मी भी है आजकल आटे का भी वो रहता है, फिर मैंने कहा फ्रिज में रखना पड़ेगा फिर बच्चों के लिए दिन में, तो मैंने पूरी उतार के रख ली। और पूरी का तो ये रहता है ना उतार के रख लो तो बच्चे खा लेते हैं, रोटी का तो ये रहता है कि गर्म गर्म ही मतलब बनानी होती है, और मेरा तो यही है कि चाहे ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का हो चाहे कुछ भी हो, मैं मतलब जब खानी होती है तभी ही तवा चढ़ा के और रोटी गर्म गर्म ही उतारती हूँ, ये नहीं कि भाई गर्मी का मौसम है तो रोटी बना के रख दूँ। तो यहाँ पे जो है सब बच्चे लग रहे हैं खाना खाने के लिए, और बस पूरी उतर ही गई है, और यहाँ पे फिर ये जो है मैं भी खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ये प्रसाद है, आप भी आ जाइए और खा लीजिए पूरी सब्जी हलवा। तो वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।